याद है कुछ दिन पहले हमने LG Ultra Gear का रिव्यू किया था, जो 27GL850 मॉडल था, 1440p वाला मॉनिटर। अब उस मॉनिटर को रिव्यू करने के बाद कमेंट सेक्शन में मेरे को बहुत बार सुनने को मिला कि एक और 27 इंचेस का मॉनिटर है, 1440p है, और इसका जो मॉडल है वो 27GN800 है। तो मुझे लगा यार सब कुछ सेम है, फिर ये सस्ता क्यों है? तो मैंने सोचा क्यों ना मंगाया जाए और इसका रिव्यू किया जाए, और क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको आज बताऊंगा कि 33,000 में 850 वाला मॉडल आपको लेना चाहिए या 800 में भी आपका काम चल जाएगा। ऐसा बॉक्स हमारे घर में मिल जाता है टिपिकल LG Ultra Gear वाला, उसके अंदर से बढ़िया पैकिंग में हमारा मॉनिटर निकल जाएगा एक, और बाकी अंदर आपको एक्सेसरीज मिल जाएंगी, वही नीचे का स्टैंड मिल जाएगा, एक मिडल अटैचमेंट मिल जाएगी आपको स्टैंड की, एक पावर अडाप्टर मिल जाता है, एक यहाँ पे हमारे को डीपी केबल मिल जाएगी, और एक यहाँ पे पावर कॉर्ड मिल जाती है, और एक कैप मिल जाती है जो मिडल अटैचमेंट की है। और मॉनिटर को असेंबल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मिडल वाले अटैचमेंट को आपको मॉनिटर पे लगाना है, दो स्क्रूज आपको मिलेंगे, वो स्क्रूज आपको यहाँ पे टाइट कर देने हैं, और उसके ऊपर ये वाली कैप लग जाती है, देन नीचे का स्टैंड आपको डायरेक्टली अटैच करना है, और उसके नीचे एक नॉर्मल स्क्रू है जो आप हाथ से टाइट कर सकते हो, और आपका मॉनिटर रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके बिल्ड एंड आउटर से। प्रॉपर प्लास्टिक बिल्ड में हमारे को मॉनिटर मिल जाएगा, वो ही LG Ultra Gear वाली लुक है, रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन में, चाहे वो हमारा स्टैंड हो, चाहे पीछे से हमारा मॉनिटर हो, पीछे वही LG Ultra Gear का लोगो मिल जाता है, आउटलाइनिंग रेड कलर की है, एंड बाकी आपको काफी स्लिम मॉनिटर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसकी पावर ब्रिक है वो आपको अलग से मिलेगी, तो अंदर आपको पावर सप्लाई नहीं मिलती, जिस वजह से हमारा मॉनिटर काफी पतला हो जाता है। और ये हमारा 100x100 वीजा माउंट कंपेटेबल है, पीछे 4 होल्स बने हुए हैं, यहाँ पे वीजा माउंट लगा सकते हैं, और नीचे जो इसका बेस स्टैंड है वो प्लास्टिक कवर्ड है बट अंदर से मेटल है। और बात आती है इसके बेजल की, तो काफी बेजललेस डिजाइन है, नीचे चिन पे आपको LG की ब्रांडिंग मिल जाएगी, तो नीचे का बेजल थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, बाकी ओवरऑल ऊपर या साइड्स में अगर आप देखते हो तो कोई बेजल की दिक्कत नहीं है, एकदम लगता है क्या एक प्रीमियम सेगमेंट का मॉनिटर है। और बेजल ना होने की वजह से जो हमारा ध्यान है ना वो कम भटकता, फुल गेमिंग पे फोकस होना चाहिए हमारा। तो ऐसा नहीं है कि बिल्ड में कोई कॉम्प्रोमाइज होगा आपने पैसे कम दिए तो। और बात आती है पोर्ट्स की, तो पीछे आपको 2 HDMI 2.0 के पोर्ट मिल जाएंगे, एंड एक डीपी पोर्ट मिल जाता है 1.4, और एक ऑडियो जैक आपको मिल जाएगा फॉर हेडफोन्स वगैरह, अगर आपको मॉनिटर पे ही हेडफोन या स्पीकर कनेक्ट करने हैं तो। हाँ, मॉनिटर में अपने बिल्ड स्पीकर नहीं है। एंड पोर्ट्स के साथ साथ आपको कंपैरिजन बताऊं, जो 850 वाला हमारा मॉडल है उसके पीछे आपको USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, अपनी पेन ड्राइव अगर आपको चलानी हो तो मॉनिटर के पीछे आपको एक्स्ट्रा पोर्ट्स मिल जाते हैं, जो इसके अंदर नहीं है। पहला डिफरेंस। एंड बिल्ड की बात हो रही है तो जो मूवमेंट है इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ टिल्ट मूवमेंट मिलती है, और जो 33,000 वाला 1440p वाला मॉनिटर है जिसका मैंने पहले रिव्यू किया था उसके अंदर आपको टिल्ट के साथ साथ हाइट और स्विवल मूवमेंट भी मिल जाती है, जो कि इसके अंदर नहीं है। ये कुछ ऐसे मेजर डिफरेंसेस मुझे लगे जो इस मॉनिटर में नहीं है उसके अंदर है। बट अगर आपको मैं इसका अल्टरनेटिव बताऊं, आप वीजा माउंट लगाओ, वीजा माउंट के साथ आपको चाहे वॉल माउंट करना हो या फिर टेबल माउंट आप लेते हो तो उसके अंदर आप सारी मूवमेंट्स कर सकते हो। और एंड बात आती है पोर्ट्स की, तो भाई उस मॉनिटर में मैंने अभी तक कोई पोर्ट्स नहीं यूज करे, तो डेफिनेटली पोर्ट्स का इतना बड़ा गेम तो है नहीं। अब ये गेमिंग मॉनिटर है, गेमिंग की दुनिया में भाई इनोवेशन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आप मॉनिटर ही देख लो, पहले कैसे मॉनिटर्स आते थे और अब कितने एडवांस्ड हो चुके हैं। ये तो फिर भी बहुत बेसिक है, इससे आगे भी कितने तगड़े तगड़े कर्व मॉनिटर और ओएलईडी स्क्रीन्स, और उसके बाद रिफ्रेश रेट 300 Hz तक, 360 Hz तक का रिफ्रेश रेट हो गया। और एनवीडिया को ही देख लो, ये मॉनिटर भी हमारे को G-Sync कंपैटिबल मिलता है एनवीडिया की तरफ से। और एनवीडिया जैसे और भी US कंपनी जैसे एप्पल, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, जो हमें डे टू डे काफी काम आती है और हमारी लाइफ इजी हो गई है ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस, अब ये कंपनी तगड़ा ग्रो कर रही है, अब इनकी ग्रोथ का पार्ट हम भी बन सकते हैं एज अ यूजर नहीं, एज एन इन्वेस्टर। INDMoney ऐप के थ्रू आप US स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी ब्रोकरेज, नो कमीशंस एंड नो एक्स्ट्रा चार्जेस। अब जैसे कि हमारे US स्टॉक्स काफी महंगे होते हैं बट INDMoney पे वो भी कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे आप फ्रैक्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब एक स्टॉक का छोटा छोटा पार्ट, तो आप स्मॉल अमाउंट से भी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। और अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से INDMoney पर भी साइन अप करते हो और फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट फंड करते हो तो आपको 750 rupees के US स्टॉक्स फ्री में मिलेंगे। तो भाई ये मौका मिस मत करना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो और फर्स्ट टाइम फंड करो एंड 750 rupees के US स्टॉक्स फ्री में ले जाओ। अब मॉनिटर में मेन चीज आती है डिस्प्ले, और इसके केस में मुझे सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट लगा क्योंकि हम 26,000 rupees दे रहे हैं एक 33,000 के मॉनिटर का, साथ साथ कंपैरिजन साथ में लेकर चल रहा हूं, दोनों 1440p हैं, दोनों LG Ultra Gear हैं, तो मुझे लगा कि डिस्प्ले में कुछ कमी होगी। बट भाई डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम मिलेगी आपको, इसके अंदर 27 इंचेस की 1440p IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले और 10 बिट का पैनल है, यानी कि 1.07 बिलियन कलर्स आपको मिलेंगे, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम है, 99% sRGB, 350 nits की ब्राइटनेस, 1000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो, NVIDIA G-Sync कंपैटिबल एंड AMD FreeSync प्रीमियम। तो स्पेसिफिकेशन के मामले में डिस्प्ले में नो डाउट बिल्कुल सेम डिस्प्ले मिलती है। एंड बात आती है रियल लाइफ यूसेज की, तो IPS पैनल होने की वजह से जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो आपको 178 डिग्रीज के मिल जाते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, आराम से आप इसको यूज कर सकते हो, ग्रुप में भी कोई मूवी वगैरह देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एंड बात आती है ब्राइटनेस की, पीक 350 nits की ब्राइटनेस आपको मिलती है इसके अंदर। एंड सच बताऊं आपको, ब्राइटनेस जो LG Ultra Gear की पीक
एक 350 निट्स है ना, वो अदर मॉनिटर्स के कंपैरिजन में मुझे हमेशा से ज़्यादा लगती है। और कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात आती है तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो यार 1000:1 इज लाइक बेसिक, गेमिंग मॉनिटर में हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ज़्यादा क्रिएशन लेवल का मॉनिटर लोगे तो 3000:1 तक आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही दिखता है, जिसमें वाइट्स और ब्लैक्स डिफ्रेंशिएटेड लगेंगे। इसके अंदर थोड़े से कम लगते हैं, बट स्टिल मैं आपको कहूँगा अगर आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए लेना है, एडिटिंग वगैरह आप करते हो, तो कलर्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 99% sRGB है। आपको कलर एक्यूरेसी वाले काम करने हो, फोटोशॉप वगैरह चलाना है या कोई भी ग्राफिक्स डिजाइनिंग आप करते हो, तो भी ये मॉनिटर आपके लिए बढ़िया चॉइस हो सकता है। और बात आती है 1 millisecond रिस्पॉन्स टाइम की, तो रिस्पॉन्स टाइम इसमें हमारे को 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक नॉर्मल है, एक फास्टर, एक फास्टर है। फास्टर वाले में पिक्सल ओवरशूट की दिक्कत आपको लगेगी। पिक्सल ओवरशूट में क्या होता है ना, मतलब रिस्पॉन्स टाइम बिल्कुल 1 millisecond पहुंच जाता है, तो वो 1 millisecond आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देगा। अगर आप गौर से ई-स्पोर्ट्स खेलते हो तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी ज्यादा रिस्पॉन्स टाइम जो है हमारा वो ई-स्पोर्ट्स गेम में या फास्ट पेस्ड गेम में मैटर करता है। बाकी जो सबसे स्वीट स्पॉट है इसका वो फास्ट वाला है, फास्ट वाले पे कोई दिक्कत नहीं होती, एंड वो एग्जैक्ट 1 millisecond नहीं है, वो 2-4 millisecond के बीच में है, जो कि कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करता। मैं पर्सनली टेस्ट कर चुका हूँ गेमिंग करके, पीसी पे भी, कंसोल पे भी, हर टाइप की गेमिंग में, चाहे स्टोरी मोड हो चाहे ई स्पोर्ट्स हो, ये मॉनिटर आपको डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं देने वाला, क्योंकि 144Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो वैलोरेंट वगैरह अगर आपको खेलना हो या वॉरजोन अगर आप खेलते हो, तो भाई ई स्पोर्ट्स गेम में मजा दे देगा दबा के। एंड ये हमारा AMD FreeSync प्रीमियम और G-Sync कंपैटिबल है। ये G-Sync सर्टिफाइड नहीं है, G-Sync सर्टिफाइड मॉनिटर थोड़े से महंगे होते हैं। और जिसको G-Sync FreeSync नहीं पता, थोड़ा सा आइडिया दे दूं तो ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, जो हमारा फ्रेम रेट है मॉनिटर का वो मैच करा देता है आउटपुट फ्रेम रेट से जो हमारा पीसी का GPU प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हमारे को स्क्रीन टेयरिंग के इश्यूज नहीं होते। एक जो हमारा V-Sync होता है ना गेम के अंदर, वो एक सॉफ्टवेयर पार्ट है, बट एक ये हार्डवेयर है, जिसमें अगर आप V-Sync ऑन भी नहीं करते तब भी आपको स्क्रीन टेयरिंग के इश्यूज फेस नहीं होंगे। एंड अल्टीमेटली अगर बात करते हैं मल्टीमीडिया को लेके, अगर आपको मूवीज वगैरह देखनी है या फिर आपको कैजुअल यूसेज के लिए मॉनिटर चाहिए, तब भी भाई इसकी डिस्प्ले कोई दिक्कत नहीं देने वाली। कलर्स बहुत अच्छे हैं, ब्राइटनेस काफी अच्छी है। तो अब थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूं, इस मॉनिटर को 1440p में आपको लेना चाहिए या नहीं, या फिर LG अल्ट्रा गियर जो 850 वाला मॉडल है 33,000 का। तो यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा, यहाँ पे मेजर 2 डिफरेंसेस आपको मिलेंगे, पहला पोर्ट्स का जो मेरे को किसी काम का लगा, दूसरा आपका एडजस्टमेंट्स, उसके अंदर हाइट और स्वेवल मिल जाता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टिल्ट मिलता है, तो वो आपकी चॉइस है। वहां पे आपको ₹7,000 एक्स्ट्रा पे करने हैं सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट्स को लेके, बाकी सारी स्पेसिफिकेशन डाइमेंशंस बिल्कुल सेम है, तो वो चॉइस आपकी है। तो बस यही था इसका पूरा रिव्यू, LG अल्ट्रा गियर 27GN800 का, और ये मॉनिटर हमारा 26,000 का है। मेरे हिसाब से अगर आपका 25,000 अप्रॉक्स 1440p मॉनिटर का बजट है, तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बहुत सही हो सकता है। LG अल्ट्रा गियर सीरीज तो भाई वैसे भी तगड़ी सीरीज है, अगर आपको गेमिंग के लिए मॉनिटर चाहिए तो लिंक दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, कुछ और चेकआउट करना हो वहां से कर लेना। और हाँ, IND मनी की ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, ₹750 के आपको US स्टॉक्स मिल रहे हैं फ्री में, अगर आप फर्स्ट टाइम फंड करते हो तो वो चीज बिल्कुल दिमाग में रखना। एंड IND मनी के 4 million से भी ज्यादा इंडियन यूजर्स हैं, तो काफी सही ऐप है, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना। एंड पसंद आई वीडियो तो लाइक भी कर देना, पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब, और बाकी ज्यादा पसंद आई वीडियो तो शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।